चंद्र जी एक बात बताइए, कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस है तो बहुत बड़ी पार्टी, नो डाउट है ना, हर मसले पर बहुत मुखर मुखर होती है, और मैंने देखे हैं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी किस तरह से मुखरता के साथ हर मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव दिखी, और उनके मुद्दे किसी भी तरीके से कोई गलत नहीं थे, लेकिन जनता ने भरोसा बीजेपी पर किया कि चलो बेरोजगारी का मुद्दा ही है तो बीजेपी सही करेगी, या दूसरे जो तमाम मसले हैं उस पर बीजेपी ही सब कुछ कंट्रोल करेगी। मुझे लेकिन कांग्रेस पार्टी से एक शिकायत है कि आप लोग चुनाव तक एक्टिव रहते हैं, मुद्दों को लेकर के एक्टिव होते हैं, चुनाव में हार निश्चित पहले से आपको भी लग रही थी, इसके बाद मुद्दे आप लोग भूल जाते हैं, दो चार लोग आप लोग आकर के डिबेट बस करते हो टीवी पर बैठ करके। कांग्रेस की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में, अगर सरकार काम कर रही है तो सरकार हर काम अच्छा करेगी कोई जरूरी नहीं है ना चंद्रेश जी, आप लोग एक्टिव नहीं दिखते हो मेरे को उत्तर प्रदेश में, बताइए सर। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसा आप कह रहे हैं एक्टिव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं दिख रहे हैं आप लोग, जब तक चुनाव था तब तक दिख रहे थे आप लोग। अभी संगठन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, हर ब्लॉक में पीसीसी मेंबर का चुनाव होना है और उसमें संगठन बहुत मजबूती से अपना कार्य कर रही है, हम सब लोग लगे हुए हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं उसको हम लगातार उठा रहे हैं। आज का चर्चा आपने बहुत बेहतर किया, आपने पुलिस को लेकर उठाया, हमारे साथ राय साहब नहीं, पुलिस के ऊपर भी है और विकास को लेकर के भी है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय, भाई साहब मुझे बता दीजिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का क्या पैटर्न क्या आप लोगों ने रखा, हम कैसे समझें कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाया जा रहा है। मैं बताइए सर, बताइए। पिछले चार साल में भारत का प्रति व्यक्ति आय अपने निचले स्तर पर है, पिछले 30-32 साल में होलसेल इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, पिछले 7 साल में इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, जीडीपी में कोई व्यापक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब देश का आय घटेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी घटेगा, क्योंकि पिछले 1 साल में भारत पर विदेशी कर्ज दोगुना हो गया और प्रत्येक व्यक्ति पर 1,00,000 रुपए का लगभग कर्ज हो गया, विदेशों में काला धन जो जमा है स्विट्जरलैंड में पिछले 3 साल में दोगुना हो चुका है, बैंकों में हमारे आपके जो जमाए हैं वो जो प्रतिरोध लेकर भाग रहे हैं लगातार, तो हमारे जो बैंक में सेविंग है वो भी डूब रहा है, नए इनकम के सोर्स नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी अपने पीक पर है, तो भाजपा चले ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चंद्रेश जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है,